और एक कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं बात होगी एनआईटी लिमिटेड के मैनेजमेंट से कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे आय मुनाफे और मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स पॉजिटिव थे लेकिन तिमाही आधार पर कुछ चैलेंजेस कुछ कंसर्न्स भी थे आइए सीधा समझते हैं कंपनी के के मैनेजमेंट से हमारे साथ लिमिटेड सीईओ और जुड़ गए हैं सपनेश स्वागत है आपका इटना स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया सबसे पहले तो नतीजों के लिहाज से अगर देखें कंपनी के रेवेन्यू के फ्रंट पर ऑन ऑन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पॉजिटिव नंबर्स आए हैं मार्जिन भी आपके ऑलमोस्ट फाइव बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए दिखे हैं। हैं में में कौन से रहे जिन्होंने दी आप बताएं? ये जो sequential ग्रोथ था आपने देखी revenue में खास करके uh, overall के इसकी दो हैं। एक uh, CLG ने uh, अच्छा ग्रोथ दिखाया है uh, Q2 में उनका ग्रोथ काफी कम था पर क्यू uh, थ्री में क्वार्टर एंडिंग डिसंबर में अच्छा रिकवरी हुआ है रेवेन्यू uh, का और प्रॉफिटेबिलिटी का भी सीएलजी के बदौलत आ, इसके अलावा आ, हमने सेंट चार्ल्स कंसल्टिंग ग्रुप का एक्विजिशन किया वो एक्विजिशन मुकम्मल हुआ नवंबर चार को और उसके बाद से उनके जो फाइनेंशियल्स हैं एनआईटी के फाइनेंशियल्स में इंक्लूडेड है तो ये दो वजह हैं जिसकी वजह से सीक्वेंशियल ग्रोथ नज़र आ रहा है एनआईटी में सपनेश क्योंकि जैसे आप बता भी रहे हैं नंबर्स इसमें एक जो बड़ा पॉइंट था पोस्ट हमने देखा कि कही ना कहीं कहीं ना थोड़ी सी प्रॉफिट वार्निंग तो आपकी दिख रही है फॉरवर्ड जाते हुए आप किस की गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे नियर टर्म अनसर्टिनिटीज तो अभी हैं मार्केट uh, uh, में काफी अनसर्टिनिटी है uh, जिस तरफ भी देखें सारे कंट्रीज में अनसर्टिनिटी है पर इस अनसर्टिनिटी के बावजूद भी सी एल जी एंड ओवरऑल एन में नया कस्टमर एक्विजिशन काफी अच्छा हुआ है जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी इम्प्रूव हुई है हमारे जो भी कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल के लिए आए थे वो भी हंड्रेड परसेंट रीन्यूअल रेट हुआ है उसकी वजह से हमें आ, इम्प्रूव परफॉर्मेंस का, काफी भरो, के ऊपर काफी भरोसा है आ, हम सोचते हैं कि आ, नियर टर्म में हमारी आ, आ, बेटर रहेगी इन इनस्पाइट ऑफ मार्केट अनसर्टिनिटी ओके okay, ठीक है चलिए बिल्कुल बहुत बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और रिजल्ट्स के बाद अपना रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका